वर्क फ्रॉम होम जॉब। दोस्तों जिन तरीकों से घर बैठे मोटी कमाई कर सकती है महिलाएं, तो दोस्तों महिलाओं के ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में उनके लिए नौकरी करके पैसे कमाना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोस्तों कई ऐसे काम है जो घर पर बैठकर महिलाएं कर सकती हैं और मोटी कमाई भी कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के समय में करीब हर एक औरत का नौकरी करना पैसा है, क्योंकि जिस तरह लाइफस्टाइल बदलती गई उसी तरह दोस्तों नौकरी की भी जरूरत बनती गई। तो दोस्तों आजकल ऑफिस में महिलाओं को काफी सुविधाएं भी दी जाती हैं, लेकिन घर पर बैठकर काम करने के फायदे भी बहुत से होते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी माएं भी हैं जो घर पर बैठकर काम भी कर लेती हैं और अपने बच्चों की देखभाल भी कर लेती हैं। तो दोस्तों अब इतना पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि घर पर कौन सा काम करें, दोस्तों आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों करियर ऑप्शन लेकर आए हैं जिससे आप घर से ही आसानी से काम के साथ मोटी कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल डीके वाले अपनी जुबान पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जॉब नंबर एक की। दोस्तों घर में महिलाएं अक्सर कुकिंग का काम संभालती हैं और वो इस काम को करते वक्त पुरुषों से भी ज्यादा महारत भी हासिल कर लेती हैं। तो दोस्तों इसी हुनर का फायदा उठाकर आम कमाई भी कर सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपके पास खाना बनाकर दूसरों को खिलाने का वेस्ट ऑप्शन है, और डिजिटल जमाने में तो दोस्तों आप खाना बनाते समय उसे यूट्यूब पर उसके वीडियो से भी लाखों कमाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि कंटेंट राइटर। तो दोस्तों अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है तो दोस्तों आप अपने विचारों को घर पर बैठकर ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज ऐसी कई कंपनियां जो फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर रखती हैं और इससे आपको घर पर रहकर आराम भी मिलेगा और आपकी जॉब भी चलती रहेगी। तो दोस्तों कई अखबार तो सिटीजन जर्नलिस्ट कैटेगरी में भी आम लोगों को मौका देते हैं कि वो उनके लिए आर्टिकल लिखें, इसके लिए वो प्रति आर्टिकल 200 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जॉब नंबर तीसरे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। तो दोस्तों ये भी घर पर रहकर कमाई करने का सबसे अच्छा साधन है और हर कंपनी के पास काफी बड़े बड़े डाटा होते हैं जिसे एंटर करने के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कंपनी के नियमों के मुताबिक उनका ही डाटा एक्सेल फाइल में लगाकर कंपनियों को घर बैठे ही भेजना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जॉब नंबर चौथा जो योगा या फिटनेस सेंटर है। इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको फिटनेस की जानकारी हो तो आप योगा इंस्ट्रक्टर बनाकर मोटी कमाई भी कर सकते हैं। बता दें कि लगातार कोरोना या अन्य बीमारियों के कारण बढ़ते हेल्थ की समस्या की वजह से यह बेहतर मुनाफे का बिजनेस रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे जो नंबर लास्ट है, इससे आगे दोस्तों हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप इतना कुछ कर लेंगे तो आप लोगों को लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों लास्ट जॉब है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है ट्रांसलेशन का। ये भी घर बैठे काम का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अगर किन्हीं दो भाषाओं पर आपकी पकड़ अच्छी हो तो आप उन भाषाओं में ट्रांसलेटर का भी काम कर सकते हैं। ऐसे कई किताबें हैं जो किसी एक ही भाषा में प्रकाशित हुई हैं, फिर भी उनका अनुवाद होते इस काम में ट्रांसलेटर की भूमिका बहुत ही ज्यादा होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों बने रहिए डीके वाले अपनी जुबानी के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे जानकारी के साथ।